हे एवरीवन, एक बार आपका मुझसे स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अगेन मैं आज फिर से पिज्ज़ा बना रही हूँ। अगर आप में से किसी ने मिस किया है तो मैंने अपने पहले वीडियो में, मतलब लास्ट टाइम मैंने जब पिज्ज़ा बनाया था तो पूरा प्रोसेस दिखाया था कि मैं ये वाला सॉस कैसे बनाती हूँ। फिर ये मैंने बेस ले लिया है जो रेडी है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था मैं घर पर बनाती हूँ कभी कभी, बट और लास्ट टाइम थोड़ा सा चीज़ की हो गई थी कमी, तो पूरा मोज़रेला का बड़ा वाला पैकेट ले आई हूँ। नो कंजेसी, तो चलिए बनाते हैं अब हम पिज्ज़ा। तो पहले ये बहुत अच्छे से स्प्रेड करना है ऑल ओवर पिज्ज़ा। ये वाला जो सॉस है ना, ये बहुत क्रीमी नहीं है, मतलब मार्केट में जो कैसा होता है रेडी वाला वो एकदम क्रीमी होता है, ये थोड़े से चंक्स आएंगे मुंह में, तो ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट लगता है। जैसा कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि चीज़ में कोई कमी नहीं करनी है, तो अच्छे से मैंने इसमें देखिए काफ़ी अच्छे से मोज़रेला को डाल दिया है, बहुत साइड साइड से, बहुत अच्छे से ऐसे ऐसे। और अब हम इसे रखेंगे ओवन, तो ओवन के लिए लगाऊंगी। इतना हिला दियो, ये हमारा हो गया है रेडी। और चीज़ देखिए कितने अच्छे से पूरा मेल्ट हो गई है, अच्छा रुक जा। देखिए कितने अच्छे से चीज़ पुल हो रहा है हमारे पिज़्ज़ा में। तो कैसे हैं आप सब लोग? डांडिया खेल के बहुत ही मज़ा आया। मैं एक्चुअली में ना काफ़ी इंजॉयबल होता है एक्चुअली, हम सबको ये सब करना चाहिए ताकि हम एकदम, और ये सब करने से ना काफ़ी अच्छा सा फील होता है, एकदम फ्रेश फ्रेश फील होता है जंप करके। और ये सब एक्चुअली वर्कआउट करने वाले लोगों को ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि मैं तो पर्सनली वर्कआउट नहीं करती हूँ, बट करना चाहिए, तो काफ़ी इंजॉयबल था। तो जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो ज़रूर से आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। जो मेरे नए हैं मेरे वीडियो में, वो मुझे ध्यान से सब्सक्राइब कर लें, आगे और भी मैं अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करूँगी। और मेरे शॉर्ट्स भी देखना ना भूलें, मैंने इंस्टाग्राम आईडी भी यहाँ पर डाल दी, आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। प्लस मैं फेसबुक पर भी अपलोड करती हूँ, तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो एवरीवन। और मैं आप लोगों से फिर से वही एक बार और कहना चाहती हूँ कि ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन ज़रूर ऑन कीजिए। अगर आप नोटिफिकेशन बटन नहीं ऑन करेंगे तो आप लोगों को नहीं मालूम पड़ेगा कि मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो बाय बाय एवरीवन।